इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से शाम के लिए कि आपने हमें जीवन और सांस दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा, आज मेरे हर एक बच्चों को, हर एक मसीह भाई बहन जन को आप आशीष देने वाले हैं पिता, उनको छूने वाले हैं, उन्हें बरकत और आप उनके घर को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपकी महिमा करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं इस सुंदर से शाम के लिए। जो भी आपके बेटे और बेटियां आपके बच्चे हैं पिता, वो आपसे यही उम्मीद रखते हैं पिता कि आप उनको देख रेख करेंगे और उनको सही मार्ग और सही रास्ता दिखाएंगे पिता, ताकि वो चल करके अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदारी नागरिक बन सके पिता परमेश्वर। क्योंकि वो आप सामर्थ देते हैं, वो आप ताकत देने वाले हैं पिता, आप उनको संभालने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, जिस खुदा पर आज हम बिलीव करते हैं, जिस खुदा पर आज हम विश्वास करते हैं, उसी खुदा ने हमें जीवन और सांस दिया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन हमें बहुत प्रेम से समझाता है और सिखाता है। आज हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, दिक्कतें हों, चिंताएं हों, मुसीबतें हों, लेकिन हमें खुदा ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत और अध्याय एक और वचन नंबर दो में लिखा है, मेरे प्रियो सभी के लिए वचन उत्तम है। जितने लोग आज परमेश्वर के वचन से जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत आपको आशीष देगा। आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आपके बच्चों को, आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा है। और परमेश्वर आपके जीवन की किसी भी चीज़ को उम्मीद नहीं टूटने देगा। आज आप रोते हैं, आपके आंसू बहते हैं, तो खुदा आपको कहता है कि अपने आंखों से आंसू पोंछ डालो, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने वाला हूं और मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला हूं और तुझे मैं हर एक चीज़ से परिपूर्ण करूँगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे स्वर्ग सुन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। वचन लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यों कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है और उनको बढ़ाया भी है, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। परमेश्वर वचन क्या कहता है, आज परमेश्वर ने हमें जीवन तो दे दिया, श्वासें दे दी, परमेश्वर ने हमें पाल पोस करके बड़ा भी कर दिया, लेकिन आज हम परमेश्वर से ही बलवा करते हैं। कैसे बलवा करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि खुदा हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, तू हमें देगा। क्या परमेश्वर ने आपसे कर्जा लिया हुआ है, जिस तरीके से आप प्रार्थना करते हैं, आपको अपने घुटने टेक करके प्रार्थना करना होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां, यदि वो मुझसे नम्र और निवेदन से प्रार्थना करते तो मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। आज बहुत सारे संसार में लोग हैं कि खुदा मेरी बीमारी को ठीक कर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। क्यों नहीं जानते हैं आप, परमेश्वर ने तो आपको ज्ञान बुद्धि और समझ दिया है, क्यों नहीं जानते हैं आप? आप खुदा से कहिए, नम्र और निवेदन से कहिए कि पिता मैं जानता हूँ तू मुझे चंगाई करेगा, मुझे बीमारी से, मुझे हर एक हालातों से बचाएगा पिता, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। यदि जिस दिन आपने अपने मन में नम्रता लाई, अपने जुबान में, अपने जो आप बोलते हैं, जो आपका वचन मुंह से निकलता है, वो परमेश्वर के दिल में लगता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर एक आत्मा है, इसीलिए याद रखिएगा, परमेश्वर की आत्मा को हमें कभी भी ठेस नहीं पहुँचानी। क्या आपने पिता से आप ऊँची आवाज़ में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो आप उसी तरीके, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें कभी भी ऐसी आज्ञा नहीं देना कि हे पिता मैं कुछ नहीं जानता, तू मेरी बीमारी को ठीक कर, जैसे आप परमेश्वर ने आपसे कर्जा लिया हो, इस तरीके से आप कहते हैं। मैं प्रियो, ये बिल्कुल गलत है। परमेश्वर से आप हमेशा नम्र और निवेदन और सहनशीलता के द्वारा ही परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे बच्चे हैं, जिनको मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है, आज वो मुझसे बलवा करते हैं, आज वो गलत कामों को कर रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ये सब परमेश्वर के प्रति गलत है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये भी कहा था, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता है,
परंतु मेरे बेटे और मेरी बेटियां आज वो मुझे नहीं पहचानती। एक मान लीजिए, जैसे परमेश्वर ने उदाहरण यहाँ पे दिया हमको समझाने के लिए कि जो बैल होता है वो अपनी मालिक के चरनी को पहचानता है कि मुझे चारा कहाँ मिलेगा, और वो जा करके वहीं रुकता है। तो आज हम क्यों नहीं रुकते हैं परमेश्वर के वचन से, क्यों नहीं प्रेम करते हैं परमेश्वर के वचन से? बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होंगे कि हमें सब ये बकवास लगता है सुनने के लिए। नहीं मेरे प्रियो, ये बकवास नहीं है, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा वचन है। यदि इन वचनों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे तो खुदा आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। बहुत मसीह भाई बहन जिनके पास समय ही नहीं है, जिसके पास समय नहीं है वो परमेश्वर से प्रार्थना ना करें, क्योंकि उसकी प्रार्थना का जवाब ही नहीं मिलेगा, उत्तर ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसके मन में पहले से उसने ठान लिया है कि मुझे नहीं, मैं केवल कमेंट कर दूंगा और बता दूंगा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर देंगे और मैं भला चंगा हो जाऊंगा, कब तक दूसरे के भरोसे आप रहेंगे? ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आपको मजबूत होना है, आप खुद अपने आप को स्ट्रांग करेंगे, मजबूत करेंगे। किसी भी बीमारी के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो आपको परमेश्वर आज जवाब देगा, आपको उत्तर देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मालिक जो होता है, जो संसार के लोग होते हैं, आप सोचिए आपके घर में कोई भी जानवर हो सकता है, वो आपको पहचानता है। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, उसके कलाम को नहीं जानते हैं, उसकी आयत को नहीं जानते हैं, उसका वचन क्या कहता है ये नहीं जानते हैं, तो परमेश्वर ने कहा था। तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमें हमेशा ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर ने जिस तरीके से हर एक चीज़ को नियम के अनुसार ठहराया है, आप देखते हैं सूर्य, चंद्रमा, तारागण, जितना कुछ आप इस सृष्टि पर देखते हैं, सब परमेश्वर ने समय पर उसको स्थिर किया है। तो आज परमेश्वर ने हमें भी तो स्थिर किया है कि आप परमेश्वर के प्रति प्रेम करें, प्यार करें, उसके वचन को सुनें। आज हम क्यों नहीं करते हैं? क्या सूर्य कभी निकलने में लेट करता है? नहीं करता है। क्या चंद्रमा कभी निकलने में लेट करते हैं? नहीं करते हैं। जो परमेश्वर ने नियम के अनुसार ठहराया है वो अपने कार्य को अच्छी रीति से कर रहे हैं, समय के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन आज हम क्या करते हैं? प्रार्थना को टाल देते हैं, आज नहीं तो कल करेंगे। मेरे प्रियो, आज नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कल नहीं तुम आज करो। इसीलिए आज से आपको विश्वास रखना है खुदा के वचन पर, बिलीव करना है, भरोसा रखना है कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपके बच्चों को आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है तो आप इन बातों को अपने अंदर गांठ बांध लीजिए कि खुदा के वचन को हमें बड़े नम्र के साथ, निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ, हमें विश्वास के द्वारा हमें ग्रहण करना है। हमें विश्वास रखना है कि खुदा हमें आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए तो आज एक जानवर होकर के अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां होकर के हम अपने पिता को नहीं जानते हैं, तो आज हम जिंदगी में क्या कर सकते हैं? इसीलिए बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होंगे कि जो परमेश्वर के वचन को लेकर के बहुत एक्साइटेड रहते हैं, अच्छी बात है। वो अच्छे व्यक्ति हैं कि परमेश्वर के वचन को लेकर के सतर्क रहते हैं कि हमें कब सुनने को मिले, कब हमें सीखने को मिले, कितना हमें वचन देखने को मिले। ये परमेश्वर का वचन कहता है, वो उसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है। और जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मान लीजिए कि आपके पास कोई काम बहुत इमरजेंसी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप सत्तार हो, जब आपके पास टाइम हो, जब आपके समय हो आपके पास, तब तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, तब तो परमेश्वर के वचन को सुनें, तब तो आप परमेश्वर की बातों को ग्रहण करें कि खुदा आपको जीवन देता है। यदि आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं कि हाँ परमेश्वर ने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया है और प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित किया है, यदि इस बात पे आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आपके जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता, वो शैतान भी नहीं रोक सकता जो आपके जीवन में आता है, आपके जीवन में अनेक प्रकार की दुख और तकलीफ और मुसीबत लाता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना खुदा के वचन पर, उसके आयत पर, कि परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें कहा है, तुम अपने वचनों से नहीं, अपने मुँह के वचनों से प्रेम करो जो आपके मुँह से निकलता है। परमेश्वर ने क्या कहा? अपने मन की रक्षा कर, तब तेरा जीवन में प्रतिफल आएगा। यदि आज हमने जुबान को, अपने मन को ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो अपनी जिंदगी को हम कैसे सुधार सकते हैं? इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यदि तुमने नहीं सुधरोगे, तुम नहीं सुधरोगे, तो मैं तुमको
मुख फेर लूंगा। परमेश्वर वचन कहता है, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा और तुम कितनी भी प्रार्थना करोगे मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा और ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं, तुम्हारे मन, तुम्हारा विचार, तुम्हारा हर एक सोच खून से भरे हुए हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हमें आज से संकल्प करना है कि खुदावन हम आपसे विनती और प्रार्थना करेंगे, हर एक अपराधों और गुनाहों के लिए हम क्षमा मांगेंगे पिता, नम्र और निवेदन है पिता। इसीलिए परमेश्वर हमारी जीवन में भलाई को देखना चाहता है, परमेश्वर हमें कभी भी बुरा काम करते हुए नहीं देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र है, उसके अंदर एक भी % किसी प्रकार का पाप नहीं है मेरे प्रियो। तो याद रखना कि परमेश्वर के अंदर पाप नहीं है तो हमारे अंदर कैसे पाप को देखना पसंद करेगा। तो इस बात को याद रखना कि खुदावंद कहता है, यदि आज आपने गलतियां की हैं और आप सुधरते नहीं हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे मुंह फेर लूंगा और मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा। चाहे तुम रो, गिड़गिड़ाओ, चिल्लाओ, प्रार्थना करो, कुछ भी करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। यदि आपने आज से ठाना कि नहीं पिता, मैं सच्चे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और अपने गुनाहों को माफ़ी मांगता हूँ, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, इन बातों को याद रखना। प्रार्थना करने से पहले आप सुबह शाम प्रार्थना करिए, खुदा आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके घर में बरकत और आशीष आएंगी। तो आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा, जिन मसीह भाई बहनों का मन नहीं लगता है प्रार्थना करने में, प्लीज़ वो लोग बंद कर दें, और जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं सच्चे मन से, अपने घर को, अपने जीवन को, अपने हर एक कामों में बरकत और आशीष को पाना चाहते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, वो लोग प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावंद हर एक मसीह भाई बहन को नहीं चुनता है, उन्हीं लोगों को चुनता है जो परमेश्वर के वचन को चुनते हैं। तो मेरे प्रियो, याद रखिए कि खुदा आपके जीवन को, आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और सांसें दी। आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आज हम आपके सामने घुटने को टेकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें जीवन और सांस देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमें सांसें दी, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाला है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर, जो आज इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को आप छुएं पिता परमेश्वर। जो आज जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरीके से हन्ना ने अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर आपके सामने घुटने को टेक करके उसने प्रार्थना की थी पिता परमेश्वर, आपने उसके प्रार्थना को उत्तर दिया, आपने उसके प्रार्थना को जवाब दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद हमें आप बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं, हमें संभालने वाले खुदा आप हैं, हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे हर एक चीजों में मदद करने वाले आप हैं परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के आज हमारे जीवन में क्लेश है, दुख है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की पिता परमेश्वर, आपने सृष्टि में अपने इकलौते बेटे को भेजा है पिता परमेश्वर, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु जीवन पाए पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बीमार है पिता परमेश्वर वो जीवन पाए पिता परमेश्वर, आज जिनके जीवन में बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार के भय छाए हुए उनके जीवन में पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में अशांति है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के मन के विचार जो आज उनके जीवन में नेगेटिव विचार है पिता परमेश्वर, चाहे वो मसीह भाई बहन के जीवन, किसी भी जीवन में, किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी उद्देश्य से पिता परमेश्वर उनके मन में पिता परमेश्वर नकारात्मक विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उसको पॉजिटिव में बदल दे पिता परमेश्वर, मुझे सकारात्मक में बदल दे परमेश्वर के, कि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन पिता परमेश्वर आपके पास है, क्योंकि मैं आपके सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, आज मेरे घर को, आज मेरे हर एक कामों में बेताब बरकत
बरकत देने वाले हैं, आशीष को देने वाले हैं। मुझे छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, मुझे जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से आई हो पिता परमेश्वर उसके घर में पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के अंगों को पिता परमेश्वर, जो बीमार अंग है पिता परमेश्वर, जो उसमें बीमारियां लगी है पिता परमेश्वर, उसको जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, फायर करते यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते इसी वक्त इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के अंतकारी रोग, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी। इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की जो शैतान आपके जीवन में जाल को बिछा करके रखा है, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि याद रखिए, मैं तेरी जिंदगी में हर एक उलझन को, घबराहट को, मैं हर एक प्रकार की समस्याओं को ठीक कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने अपने इकलौते बेटे को भेजा है पिता परमेश्वर, और उसको मुर्दों में से तीसरे दिन आपने जीवित किया। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद, आज मुझे जीवन दे, आज मुझे आशीष दे, मेरे बच्चों को छुए पिता परमेश्वर, मेरे बिजनेस को छुए पिता परमेश्वर, मेरे हर एक कामों पिता बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि जो मैं फिजिकली और मेंटली तरीके से बिल्कुल भी स्वस्थ रहूं पिता परमेश्वर। जो मेरे घर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, आज खुदा आपकी जिंदगी को छूने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से जाने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, कर्जे से आप दबे हुए हैं, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके पास बहुत ज्यादा कर्जे से आप दब चुके हैं, कितने भी कर्ज आपके पास हो गए हैं, परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का आपके जीवन में कर्जा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिखाया, एक नया समय दिया, एक नई उम्मीद दी है, एक नया जीवन आपको परमेश्वर ने दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमें उत्तर मिलेगा पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, संपूर्ण मन से प्रार्थना करते हैं। खुदावन हमें आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हर एक चीजों को पिता संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरे जीवन में दुख और मुसीबत से मैं लड़ सकूं, मुझे इतनी सामर्थ्य दे, ताकत दे, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा दिया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे दिल में पिता परमेश्वर आनंद को भर दे पिता परमेश्वर, मेरे दिल में हर प्रकार के दुख है, मुसीबत है, तकलीफें हैं, अनेक प्रकार की चिंता, अनेक प्रकार की मुसीबतें, अनेक प्रकार की अनेकों प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में हो सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुमने किया है अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की बीमारियों को अपने जीवन में उसको आपने ला लिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तू आज्ञा देगा तो आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर हो पिता परमेश्वर, चंगाई पिता परमेश्वर, हीलिंग के लिए प्रार्थना करते, हीलिंग के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते, नौकरी के लिए, घर के लिए, अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पिता परम पिता परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान पिता हैं, आप तो स्वर्ग में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे दुखों को जानिए पिता परमेश्वर, कि संसार में कितना दुख है, कितनी मुसीबत है, कितनी चिंताएं हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर। हमारे मन की बातों को सुनने वाले आप हैं, हमारे मन की बातों को जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से हम धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे हर प्रकार के जीवन में जो गलतियां हैं पिता परमेश्वर, उसे आप क्षमा करें, क्योंकि अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। आज खुदावन से कहिए कि पिता परमेश्वर, मैं आपके सामने घुटने टेक करके अपने हर एक गलतियों को एहसास करता हूं, या फिर क्षमा मांगता हूं पिता परमेश्वर। आज मुझे बरकत दें, मुझे आशीष दें, मुझे छुए पिता परमेश्वर, मेरे जीवन के हर एक अपराधों और गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जीवन देने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया, आप हर एक मुसीबत से लड़ सकते हैं, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना, खुदावन आप के साथ है, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ हैं, परमेश्वर खुद आपके साथ है। घबराना नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं, चिंतित मत होना, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक कामों को आसान करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपकी जिंदगी से, आपके कामों से, आपके बच्चों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, आपके जीवन से वो जाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु प्रभु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता।
परमेश्वर हमें आज जांच कर पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों से, क्योंकि प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया, आपने गूंगों को ठीक किया। पिता परमेश्वर आज मेरे जीवन में जो भी कठिनाई है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, उसे पिता परमेश्वर आप ठीक करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की, मेरे बच्चों के जीवन में बुखार, जुकाम, सर्दी, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की संक्रमित बीमारियां यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखिए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखिए जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको श्वासें दी, जिसने आपको संभाला। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार के कारणों को, जो भी किसी प्रकार की मेरे जीवन में लगा, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी चिंता मत करना, भरोसा रखना, विश्वास रखना, खुदा आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए हमें घबराना नहीं है, हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। खुदा हमें आज आशीषित करेगा, हमें बरकत देगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा प्यार आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों को, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, हर एक चीज़ों में आपको बरकत परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम से। और बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो दान या डोनेशन भेजना चाहते थे मेरे प्रियो, या आप भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेजें, परमेश्वर आपको उसमें ढेर सारी बरकत, आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन।